हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन लोगों ने इतनी सारी जो है वो कार देख ली, टेस्ट ड्राइव कर ली, बोल रहे थे कार लेना है, घर लेना है, पर इतने टाइम से चुप बैठे हैं और कोई अपडेट नहीं दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम इतने बिजी हो गए थे। पहले इंडिया ट्रिप जाना पड़ा हमें, मतलब जाना ही था, पर वहाँ पर बहुत बिजी हुए। आए तो दीपक का US ट्रिप आना जाना चल रहा था, तारा का कीटा चल रहा था, मेरा ऑफिस चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम टेस्ट ड्राइव ही नहीं कर पा रहे थे। बट अब गुड न्यूज़ ये है कि दो गाड़ियाँ जो टॉप टू हैं उसमें से एक का आज हम लोग सेकेंड टाइम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। उसका हमने फर्स्ट टाइम का टेस्ट ड्राइव आपको नहीं दिखाया था, बट हम दोनों की पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। क्या बोलते हो? हाँ यार, ये टॉप टू में नहीं, ये लिस्ट में सबसे ऊपर है मेरे लिए तो। अभी मेरी टॉप टू है, तो ये वाली आज हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। और ये कोई जर्मन कार नहीं है, तो आपको शायद शॉकिंग भी लग सकता है, बहुत से लोगों को ये भी लगेगा क्या है। बट भाई, जैसा कि आप हम दोनों को जानते हो, हमें ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस हो, गाड़ी कैसी हो। तो हम वो टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, तो आपको बताती हूँ। टॉप टू में तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी कार है यार, मतलब बैठ के चलाने में इंजन इतना पावरफुल है, देखने में बहुत अच्छी है, मतलब जो बोल। और एक फीचर तो इतना अच्छा है ना कि मैं आपको और कभी बताऊँगी अगर ये गाड़ी खरीद ली तो। और दूसरी बस ये है कि इसमें टेस्ट ड्राइव में वो बंदा साथ में बैठता है। हाँ, वो साथ में बैठता है शायद, क्योंकि ये इनकी लग्जरी कार है। लग्जरी कार है, कहीं लेके ना भाग जाए हम। और काइंड ऑफ जर्मन कार नहीं है, तो आई थिंक वो बिलीव फैक्टर भी इनके पास इतना नहीं है। कुछ कुछ कार्स में ऐसा करते हैं, जैसे हमारी जो कंपनी की उसमें भी सेम है। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट कार है उसकी हमने सैटरडे अपॉइंटमेंट ली है टॉप टू में से, तो इन दोनों में से वो जर्मन कार है, तो वेल नोन जर्मन ब्रांड जो है, तो इन दोनों में से एक हफ्ते में हम फाइनल कर देंगे। और एक हफ्ते में फाइनल कर देंगे, तो दो वीक में दोनों में से कोई भी गाड़ी की हमें डिलीवरी मिल जाएगी। फिर हम करेंगे वाला वीडियो, समझ गए ना? अभी चलते हैं। सो दिस इज द कार। We started the autobahn. कैसी है दीपक? Just choose a route where we won't be in traffic. yes. I thought you know most of the features. Yeah, but. But you can also ask me if there if you have any questions. Mm-hmm. Yeah. Especially, I mean, for this style, I didn't know it has the touch function also. But this is similar to what BMW also has, right? Yeah. Close the car, then hold button. Then here. Backwards, forward. Arvind, can you open the windows from there, no? The windows? Yeah. Let me check. So, abhi gaadi mein koi bhi nahi hai. No one is this. Just one time. Hold. And you hear the brake? Okay. And not. तो हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया, बहुत ही सही टेस्ट ड्राइव रही थी। ये है गाड़ी, जेनेसिस है, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। One eternity later. तो हम लोग जो नेक्स्ट गाड़ी है, ऑफकोर्स इसमें आवाज़ बहुत आ रही होगी क्योंकि ये हमारी गाड़ी है। और अभी पुरानी हो गई, जब हम आए थे तब हमने ली थी, तो अब हम लोग वो उसका टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। तो दीपक आगे बैठा है, बट दीपक कुछ भी कहो, कल वीडियोस में ले रही थी वर्सेस हमारी गाड़ी में बहुत अच्छी लाइट आती है यार, अपनी गाड़ी में। हाँ, फोटो चले गए। हाँ, ये तो सही बात है। और तारा सो गई है, बढ़िया, इसका सोने का टाइम हो रहा था। एंड कांट वेट आपको ये वाली गाड़ी दिखाने के लिए। आप उससे पहले कमेंट कर लो जो भी आपके मन में ब्रांड आ रहा हो, फर्स्ट ब्रांड स्टार्ट विथ बी। तो ये है हमारी गाड़ी, बहुत
सो हाँ, जैसा कि दिख गया है, अब हम लोग टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं और इसमें कोई नहीं बैठेगा हमारे साथ। BMW वाले जो है वो दे देते हैं विदाउट दे बिलीव। दीपक ने बोला आराम से ठीक है, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी तो है। दीपक को लगा कि वाह इतनी तेज गाड़ी बंद कर दी यार, पर BMW का फील तो है बहुत अच्छा, मतलब नो डाउट है फील अच्छा। तो अब हम ये ड्राइव करेंगे, X3 है और जो हमको पसंद आई है इसमें ये भी है और बाकी सारी चीज़ें, वो फीचर्स दीपक बताएगा, इतना ज़्यादा मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता, वो बताएगा। पर हाँ, दिस इज़ द लाइक वो जो कल हमने बताई थी और आज जो बताई है, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट तारा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि पापा यही ले लो। अच्छा है ना तारा? तारा यही वाली? हाँ, और तारा को एक छोटू सी गाड़ी भी पसंद आ गई थी। लेट्स गो। ओके, पहला डिफरेंस ये दिख गया। ये मतलब ये वाला जो है ऊपर से ओपन होने वाला, ये मेरा सपना था हमेशा से लेने का। जो हमारी अभी गाड़ी है उसमें ओपन नहीं होता, इट हैज अ रूफ, मून रूफ बोलते हैं ना। हाँ, अपने वाली ना। हाँ, उसे मून रूफ बोलते हैं। I'm very sure दीपक कि वो चलाने में तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही होगी, है ना? हाँ, क्या अब स्पीड अपन ऑटोबान पे चलते हैं क्योंकि ऑटोबान पे ज्यादा पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑटोबान में मतलब स्पीड टेस्ट करते हैं डिपेंड ऑन, वैसे उसका इंजन ज्यादा पावरफुल था इसके इंजन से, बट स्टिल मतलब एटलीस्ट 200 से ऊपर की स्पीड जब हम करते हैं तो गाड़ी में अच्छा फील आना चाहिए, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब तक जर्मनी में तभी तक वो चीज़ कर सकते हैं, लो स्पीड लिमिट वाली गाड़ियाँ चला सकते हैं, मतलब बहुत स्पीड वाली पावरफुल इंजन वाली। तो अब आई थिंक दीपक टेस्ट कर रहा है। हाँ, 190 के लगभग करी, पर अभी तो स्टेबल थी। इंटीरियर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा गाड़ी का, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। तो इंटीरियर में आई थिंक ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है देन उससे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे जो अब हम लोगों को डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बट ओवरऑल लुक की भी बात करें तो मतलब 19-20 का डिफरेंस है, वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है और ये भी काफ़ी अच्छी दिखती है। बट मैं जैसा कि बोल रही हूँ कि जो इंटीरियर है दीपक, यार इंटीरियर तो यार अलग ही है इसका, देखो तुम तो, जो दिख रहा है ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो जैसा मैंने आपको अपडेट दिया था, लाइक घर का अपडेट ऑलरेडी दे दिया, गाड़ी का दीपक बताओ जरा। गाड़ी का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक्चुअली हम बहुत टाइम से पेट में वो गुदगुदी लेके बैठे हुए थे क्योंकि हमने बुक कर दी थी, एंड देन फाइनली नेक्स्ट वीडियो में ये गाड़ी जो है वो आ जाएगी। कार इज कमिंग। और हम लोग इसलिए नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हम, आपको पता ही, हम इतना रायता ऑलरेडी फैला चुके हैं कि हमारे कोई काम ही नहीं पूरे हो रहे थे। तो हमने सोचा इस बार जब एकदम आ जाएगी तो ये वीडियो भी उसी दिन आएगा जिस दिन गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी रिवीलिंग वाला जैसे हमने बताया ही था, दो में से एक ले रहे हैं, वो उसके अगले वीडियो में आ जाएगा। तो दिस इज इट, है ना, ये यही है अपडेट। स्टेटस अपडेट नहीं किया था इसीलिए कि फाइनल हो जाए तब बताएंगे। ये तारा को कोई मतलब नहीं है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक आप कमेंट कर दो कि दोनों में से हम कौन सी खरीदने वाले हैं, आपको क्या लगता है, गट्स क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से कौन सी हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें ड्रीम 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 बाय।